दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ आपकी बेटी होती तब आपको बहू के दर्द का एहसास होता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। सुबह के करीब 6 बज रहे थे, निया बागली में योगा कर रही थी तभी उसके पति कुणाल आए और बोले, तुम इतनी जल्दी क्यों बिस्तर से उठ जाती हो, फिर मुझे भी नींद नहीं आती। देखो अपने स्वास्थ्य का तुम कितना ख्याल रखती हो और फिट भी रहती हो, मुझे भी जगा दिया करो, मैं भी योगा कर लूँगा क्या, तुम मुझे बेडोल बनाना चाहती हो। नया मुस्कुराई और बोली, आपका काम लेट तक चलता है, मैं सोचती हूँ कुछ देर की ही नींद सही, बस आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, मैं इतने सालों से हमेशा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ कि आपको मुझ पर शक है, अगर आप बेडोल भी हो गए तो भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कुणाल हंसकर बोला, चलो फिर तो ठीक है, अब तो तसल्ली हो गई कि तुम बुढ़ापे में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इसी बात पर एक गर्मा गर्म शाही पिला दो तो मजा आ जाए। निया हंसकर बोली, जी जनाब अभी हाजिर करती हूँ। इतना कहकर सुबह की प्यारी सी मुस्कुराहट कुणाल को भेंट करती हुई वह रसोई में शाही बनाने चली गई। थोड़ी देर में कुणाल की माँ कमला जी भी आ गई तो निया उनके लिए भी शाही ले आई। कुणाल माँ से बोला, माँ मेरा तो समझ में आता है आप इतनी देर तक क्यों सोती रहती हो, देखिए आपकी बहू को सुबह उठकर योगा करती है, आप भी टहलने जाया कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए वरना वो अकेली कितनों को संभालेगी। कमला जी बोली, आज फिर सुबह सुबह पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दिया, क्या बात है साई के, पहले बहू ने कुछ मीठा खिलाया है क्या, पत्नी का क्या हुआ याद है, और माँ का इतने सालों का क्या हुआ भूल गया जो आज माँ को ज्ञान दे रहा है। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी मीठा तो आपको हो क्योंकि आप कम सीने की बीमारी है, पर क्या आपको मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, और कोई तो मेरी तारीफ करता नहीं, अगर आपका बेटा ही कर देता है तो उसी में मैं खुश हो लेती, पर लगता है मेरी तारीफ सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा, मेरा यहाँ क्या काम, आप दोनों बातें कीजिए। मैं सली रसोई में इतना बोलकर मुस्कुराते हुए निया रसोई में सली गई। कुछ रोज बाद छुट्टी का दिन था, निया ने कुणाल से कहा, पुरानी अलमारी में कुछ कागज एक बार उसे चेक कर लीजिए और अगर बेकार है तो फेंक दीजिए। कुणाल उन्हीं पेपरों को देकर आता तो उसे पुराना एल्बम मिला तो वह उसमें लगी तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुणाल क्या पुरानी तस्वीर लेकर बैठ गया है, छुट्टी के दिन तो अपनी माँ के साथ वक्त बिताया कर, पुरानी यादों को देखने से कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हो जाएगी। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए जीवन में कुछ नया किया करो, सबके लिए तुम्हारे पास वक्त है, बस अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कुणाल बोला, क्या माँ, एक तो इतने दिनों बाद पुरानी एल्बम हाथ आई है, मैं कौन सा घर में बैठा रहता हूँ, देखो पहले मैं कितना अच्छा लगता था, अब लगता है थोड़ा सा पेड़ निकल गया है, तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं मोटा हो गया हूँ। तभी निया आई और बोली, लो क्या करने कहा था और क्या करने लगी, और एक बात कहूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर आप मुझसे बनवाते जरूर है। हाँ ये बात अलग है कि पहले आप बहुत दुबले पतले थे, मेरे हाथों का जादू आप पर भी सल गया। इतना कहकर दोनों पुरानी तस्वीर देखकर हंसने लगे। कमला जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, शादी के पहले मैं अपने बेटे को खाना नहीं खिलाती थी या मैं उसका ध्यान नहीं रखती थी, और तुम नया बनाती क्या हो, वही घीसा पीटा दाल चावल रोटी सब्जी, आज तक तो तुम्हारे हाथों का कुछ नया व्यंजन मैं खाई
नहीं खाई हुआ तो मेरी देखभाल का नतीजा है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहता है। निया धीरे से पति के कान के पास जाकर बोली, मम्मी जी को मेरी एक भी तारीफ अच्छी नहीं लगती है। तभी आप पहले सूसे भी आम जैसे थे और अब देखो पूरा मुरबा बन गए। कुणाल बोला, क्या बोली बताओ माँ को कि तुम मुझे क्या कहती हो। निया धीरे से उसे शुभ रहने का इशारा करती है। कमला जी बोली, और क्या कहेगी, मेरी शिकायत कर रही होगी, कौन सा ये दूध की धुली है। ये भी दूसरी बहुओं की तरह है जिसे उसकी सास एक आंख नहीं भाती है। अब बाद में अगर कुछ कहूँ तो कहेगी, मम्मी जी आपको मेरी तारीफ क्यों अच्छी नहीं लगती। निया बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोचती हैं। अरे मैं इन्हें खिलाकर पतला कर दूं या मोटा कर दूं, रहेंगे तो पहले आपके बेटे ही, पर ये बात करते हैं इनकी कोई तारीफ करे तो आप खुश हो जाती हैं, वही मेरी कोई तारीफ करे तो आप खुश भी नहीं करती हो। हाँ भाई, बहू की तारीफ हर सास को कहाँ अच्छी लगी है। इतना कहकर निया हंसते हुए रसोई की तरफ चली गई। निया के जाने के बाद भी कुणाल तस्वीरों में लगा हुआ था। कमला जी गई और एल्बम उसके हाथ से लेकर एक तरफ पटक कर रखी और बोली, सोड़ो पुरानी यादों को, कभी अपनी माँ का भी हाल पूछा करो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी बुआ जी आई नहीं है। न जाने मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा, सगे सबदियों के साथ तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो जो वो आती ही नहीं है। कुणाल बोला, माँ कल ही निया बोल रही थी बुआ जी बहुत दिनों से नहीं आई है, हमने कल ही उन्हें फोन कर दिया था, हो सकता है आज या कल शाम तक आ जाएगी। कमला जी बोली, ये बात तो मुझे अभी बता रही हो, बहू ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आजकल मैं देख रही हूँ तुम पूरे दिन बहू के पले से बंधे रहते हो, अभी ये हाले बताओ, कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तब तो तुम माँ को बिल्कुल ही भूल ही जाओगे। कमला जी नाराज होकर बेटे बहू से मुंह फुलाकर बैठी रही। शाम के 6 बज रहे थे। निया साई और पकौड़े बनाकर कमला जी के पास लेकर आई और बोली, मम्मी जी गर्मा गर्म पकौड़े हैं, खा लीजिए, आपको पकौड़े तो बहुत पसंद है, और वैसे भी आज स्पेशली मैं आपके लिए पनीर के पकौड़े बनाई हूँ, आप इससे नाराज नहीं हो सकती। कमला जी बोली, मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकौड़े, न जाने कौन सी यादों में तुम लोग खोई रहती हो, घर और माँ पर ध्यान ही नहीं रहता, ले जाओ ये पकौड़े मुझे नहीं खाने हैं। तभी उधर से आवाज है, क्या कहा, पकौड़े नहीं खाने, क्यों नहीं खाने, और कब से पकौड़े खाना छोड़ दी हो। निया की बुआ सास सुलोचना जी बोली, सबने पलट कर देखा तो बुआ जी दरवाजे के भीतर आंसू की थी। निया आकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ली। सुलोचना बोली, भाभी इतनी उम्र गई है फिर भी आपके नखरे कम नहीं हुए, वह तो बहुत अच्छी मिली है इसलिए इतने नखरे करती हो, दूसरे घरों में जाकर देखो तब पता चलेगा। सही कहते हैं लोग, जिन्हें अच्छी बहू मिलती है कभी बहू की तारीफ नहीं करती। कमला जी ने साई के बहाने निया को रसोई में भेज दिया और ननन से बोली, आप उसके सामने उसकी तारीफ ना किया करो, ऐसे ही उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता है, उससे भी मेरा कोई ख्याल नहीं है, पूरे दिन अपनी बीवी की तारीफ करता रहता है। सुलोचना जी बोली, भाभी बुरा मत मानो, आपकी बहू बहुत अच्छी है, उसने ही फोन करके मुझे बुलाया था कि आपको अकेलापन खल रहा है, आप ये सोचो भाई साहब के जाने के बाद इसने आपका कितना ख्याल रखा। और अभी शादी को 3 साल ही तो हुए हैं, हंसने खेलने और रिश्ते मजबूत करने के दिन है। कमला जी कुछ कहती उससे पहले बुआ जी बोली, भाभी आपकी बेटी नहीं है इसलिए आप ये सब बातें कर रही हो, जो बेटी की माँ होती तब आपको बहू के दर्द का एहसास तो होता। सुलोचना जी ने कमला जी को बहुत अच्छे से समझाया और निया की खूबियों के बारे में उन्हें बताया।
आया। तब उन्हें एहसास हुआ दो रोज बाद बुआ जी वापस चली गई। अब निया जब भी कुछ पुरानी बातें करती तो कमला जी मुस्कुराती और कहती, मैं भी अपने जमाने में बहुत सुंदर और पतली हुआ करती थी। वह तो तुम्हारे ससुर जी को पतली लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे मोटा होना पड़ा। नेहा और कुणाल सब हंसने लगते थे। कुछ रोज बाद कमला जी का जन्मदिन था। नेहा ने उनकी सभी सहेलियों को घर पर आने का न्योता दिया, पर यह बात कमला जी को नहीं बताई। सुबह जब कमला जी जगी तो किसी ने उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी, जिस पर कमला जी बहुत नाराज हुई। बाद में जब कुणाल पूछा, माँ क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं, देखिए निया सुबह से घर साफ कर रही हैं, आज घर कितना समक रहा है। कमला जी बोली, क्यों आज खुश हैं क्या जो बहू इतनी साफ सफाई कर रही हैं। कुणाल बोला, माँ खुश रहने पर ही वह काम नहीं करती, वह तो हमेशा अच्छे काम करती ही रहती है। वह बात अलग है कि आप उसकी तारीफ नहीं करती। मुझे थोड़ी देर से ऑफिस जाना है तो चलिए आपको मंदिर छोड़ देता हूँ मैं। कुणाल माँ को लेकर मंदिर चला गया। इधर नेहा ने अपनी तैयारी जारी रखी। कमला जी अपने रोजमर्रा के काम करके दोपहर में सो गई, फिर शाम में टहलने चली गई। जब घर लौट कर आई तो नेहा उन्हें एक तांत की साड़ी देते हुए बोली, मम्मी जी इसे पहन लीजिए, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। कमला जी ने पहले मुंह बनाया, फिर नेहा का मन रखने के लिए पहन लिया। थोड़ी देर में उनकी सहेलियां घर पर आई, जिसे देखकर कमला जी सो गई। जब सबने पूरी बात बताई तो कमला जी निया को बोली, बहू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं सुबह से तुम्हें सुनाई जा रही हूँ और तुम हो कि सुबह साहब ये तैयारी कर रही थी, मैं सोची तुम सब भूल गए। तभी उधर से कुणाल आया और बोला, ऐसे कैसे भूल जाएंगे, आपके जन्मदिन की तैयारी आपकी बहू महीनों से कर रही थी। निया बोली, मम्मी जी आप इस घर की अहम सदस्य हैं, घर की नींव है, और फिर आज आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर कमला जी की आंखें भर आई। कमला जी निया को गले से लगा कर बोली, कुछ तो बात है तुम में, तभी तो मेरे बेटे के साथ हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। और एक बात कहूँ बहू, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है मन ही मन बहुत खुश होती हूँ। हाँ वह बात अलग है कि मैं दिखाती नहीं होगी कहीं तुम में आकर ना आ जाए। इतना कहते ही निया के साथ उनकी सभी सहेलियां हंसने लगी। कमला जी को एहसास हुआ कि उनकी ननन की कही हुई एक एक बात सत्य साबित हुई, उनकी बहू है ही तारीफ के काबिल, तभी बेटा उसकी तारीफ करता है। अब अगर कमला जी तारीफ के कुछ शब्द निया के लिए कहती तो निया आरस्य से उन्हें देखती तो वह कहती, बहु अच्छा करोगी तभी तारीफ के शब्द मिलेंगे, वरना डांट भी पड़ सकती हैं। निया मुस्कुराती और हर दिन नए एहसास और यादों के एल्बम में सजाती। अंत भला तो सब भला।